प्रदेश के पन्ना जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह किसी हिंदी फिल्म का वीडियो नहीं है, यह एक हकीकत में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। यह तस्वीर शाहनगर उप स्वास्थ्य केंद्र की है। यहाँ एक युवक ने अपनी निजी कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके परिजनों को पोस्टमार्टम कराने की फीस भी चुकानी पड़ी और उसे सब वाहन न मिलने के कारण बैलगाड़ी से अपने गंतव्य तक ले जाना पड़ा। देश को आज़ाद हुए 7 दशक से भी ज़्यादा हो गए हैं और हमने चांद पर भी जगह ढूंढी, लेकिन अभी तक कुछ जगह ऐसी है जहां मानवता शर्मसार होती दिख रही है। जी हां, पन्ना जिले के शाहनगर उप स्वास्थ्य केंद्र में यह मामला देखने को मिला। यहाँ महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम आमा के 23 वर्षीय युवक ने अपनी निजी कारणों के चलते फांसी लगा ली और पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए शाहनगर के उप स्वास्थ्य केंद्र में ले आई, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पोस्टमार्टम की बकायदा फीस मांगी गई, जिसमें गरीब परिजनों ने जैसे तैसे इकट्ठा करके 700 रुपये स्वास्थ्य विभाग के अमले को दिए, तब जाकर कहीं उन्हें सब वापस मिला। क्या है बैलगाड़ी में आपके साथ? कहाँ से लेके आए? आमा से। कितने किलोमीटर है? 4-5 किलो। 5 किलोमीटर। कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ, वाहन वगैरह? नहीं सर। क्यों? नहीं, कहीं से नहीं मिला? शासन से आपने मांग की? नहीं, बोलना नहीं आती गाड़ी। कोई नहीं आती? नहीं। तो आप लोग बैलगाड़ी में लेके आए। पीएम में कितना पैसा लगा? 700। और कितना मांग रहे थे? पीने के लिए बोल रहे थे कि और चाहिए हमको। कितना? अब ये तो नहीं पता, बोल रहे थे 1 कार्टन पौआ जा दो। और 700 रुपये ले लिए? कहाँ से दिए आपने? उधार लेके। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग इतना कठोर हृदय दिखा सकता है कि जब सब घर ले जाने की बात परिजनों ने की तो उसे बैलगाड़ी पे ले जाने को बोल दिया। ये शाहनगर की चिकित्सकों और उनके और जो भी सदस्य हैं बहुत संवेदनहीनता उनकी की है, बहुत गंभीर है, इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए फिर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया आपने जो क्लिप दिखाई उसको देखते साथ ही हमने निर्णय ले लिया है, उस जिसने पैसे की मांग की उस सेवा से पृथक करने का आदेश निकाल रहे हैं और संबंधित चिकित्सक के लिए उस पर SCN जारी करके जवाब लेके और जवाब में जैसा भी जवाब पाया जाता है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। सूचना मुझे जो मिली है आपके द्वारा, मैं अगर ऐसी स्थिति तो मैं जरूर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करूँगा। परीक्षण हाँ, किसी ने वाहन से उनको भिजवाना चाहिए था, मानवीय तौर पर भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी होती है, किसी किसी वाहन से उसको उनको जो है एक सम्मान ढंग से घर पर पहुँचाया जाना चाहिए था डेड बॉडी को। लापरवाही हुई है? हाँ, अगर ये हुआ है अगर उन्होंने तो ये वास्तव में लापरवाही की श्रेणी में आता है और मैं इसके विरुद्ध अवश्य ही कार्य। और परिजन अपने स्वर्गवासी हो चुके भाई के मृत शरीर को बैलगाड़ी पे लेकर अंत्येष्टि के लिए आगे बढ़ चले। पन्ना से जिला ब्यूरो विकास सिंह की रिपोर्ट SCN न्यूज़।